है हमारा आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन पे। टुडेज लेक्चर इज ऑन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो हमारी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसके अकॉर्डिंग हम मास और एनर्जी को टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेके चलते हैं और दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं, ठीक है। जबकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्या रिलेशन है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सबको याद है कि अगर मास में ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अगर कन्वर्जन फैक्टर देख रहे हैं। और अगर एनर्जी को सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो वो मास के बराबर आता है। तो ये तो कन्वर्टिंग फैक्टर है, लेकिन हम इसके एक्सपेरिमेंटल या जो रियल एविडेंस है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो यही है कि एनर्जी जो है मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और 1 kg इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जो सी स्क्वायर है ये फैक्टर है, कन्वर्टिंग फैक्टर, जूल ऑफ एनर्जी। और ये एएमयू में तो खैर जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें ये आना चाहिए कि जूल को ईवी में और ईवी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो, ठीक है। तो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। यस, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ड्राइव द एक्सप्रेशन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन फॉर एक्सप्रेशन। Give some evidence showing its validity. Start करते हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। द फोर्स एक्ट्स, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड is defined by the force act on a body is defined by the rate of change. आपने लिखा हुआ दिख रहा है, अरे फोर्स की डेफिनेशन बता दीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ की वही लिख रहे हैं, ठीक है। द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंजेस, चेंजेस ऑफ मोमेंटम, changes of momentum of the body on which it acts F equal to dp over dt। यहां तक तो ये सबको आती है डेफिनेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन बता दी है, क्या होती है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इक्वेशन वन। अभी तक हम क्या करते थे, पी और वी जो है मोमेंटम को क्या लेते हैं, एम इन टू वी, और हम क्या करते थे मास को कांस्टेंट ट्रीट करके फिर डिफरेंशिएशन कर देते थे। बट अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि मास भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो मास को हम कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, इफ एम एंड वी आर मास एंड वेलोसिटी, इफ एम एंड वी आर मास एंड वेलोसिटी, देन मोमेंटम then momentum p equal to mv। तो क्या करेंगे, मोमेंटम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन
एंड टू एफ इक्वल टू पी ओवर डी टी डी ओवर डी टी और पी की जगह एम वी। अभी तक हम क्या करते थे, मास को कांस्टेंट ले लेते थे और बाहर ले लेते थे और डी वी ओवर डी टी को ए लिख लेते थे एक्सेलेरेशन। बट अब हम देख के आ चुके हैं रिलेटिविटी में कि जो मास भी है वो वेरिएबल क्वांटिटी है और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल ही लेंगे। चलिए तो इसको आगे करते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय एक्सर्टिंग और अप्लाइंग, है ना, एक्सर्टिंग अ फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस। अब जितनी भी डिस्टेंस आपने लेनी है चाहे ऐसे ले लेते हैं ना, डीएस या डीएक्स भी ले सकते हैं। देयरफोर द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, हमने क्या कहा, किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, और फोर्स लगाने पे वो डीएस डिस्टेंस ट्रैवल करे या आगे बढ़े, तो जो इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में वो किसके बराबर होगा, बताइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय एक्सर्टिंग या अप्लाइंग अ फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस डीएस, देयरफॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F dot ds, ma'am. हाँ, work done. ठीक है, तो चेंज को हम d से दिखा देते हैं और काइनेटिक एनर्जी को e और सफिक्स में k लिख रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट डी एस, तो एफ हमारा ये है, डी एस के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक नोट कर लिया तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड कर लूंगी। फिर से सुनिए, कुछ नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन लिखी, एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, मोमेंटम होता है पी इक्वल टू एम वी, तो एम वी की वैल्यू रख ली। हम क्या करते थे, एम को कॉन्स्टेंट लेके बाहर ले लेते थे और डी वी ओवर डी टी कर लेते थे, बट अब हमारा एम वी वेरिएबल है जो हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से प्रूव किया है कि मास जो है वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, तो मास भी हमारा जो है वेरिएबल क्वांटिटी हो गया, तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, करेंगे दोनों को करेंगे, एम भी डिफरेंशिएट होगा और पी भी डिफरेंशिएट होगा, तो इक्वेशन 3 आ गई। हमने कहा अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं एफ और डीएस डिस्टेंस वो डिस्टेंस मूव करे तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन होता है एफ डॉट डीएस, तो एफ की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 से। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, टी निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा, वी इंक्रीज होगी, ठीक है, वी बनेगा। जब वी चेंज होगा, भाई पहले वी जीरो था, ये रेस्ट में थी बॉडी, फिर रेस्ट में थी तो रेस्ट मास इसका एम नॉट था, फिर हमने इस पर फोर्स लगाई तो इसने डी एस डिस्टेंस ट्रेवल की तो वेलोसिटी अटेन की, वेलोसिटी अटेन करेगा तो मास रेस्ट मास चेंज हो जाएगा एम में, ठीक है, एम नॉट जो है एम में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ई डी के इक्वल टू डी ओवर डी टी एम वी डॉट डी एस,
अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम रिलेटिविटी में पढ़ के आ चुके हैं, मास भी वेरिएबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी तो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो दोनों डिफरेंशिएबल क्वांटिटी हो गए। तो एक बार मास को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी टी एक बार एम को डिफरेंशिएट करोगे, एक बार वी को, तो क्या हो जाएगा ये? और ये जो टी है ये हम डी एस के साथ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी डी एम प्लस एम डी वी डी एस ओवर डी टी। फिर से सुनो, ये डी टी मैंने यहाँ डी एस ओवर डी टी कर लिया, ये डिफरेंस मैंने आपको जब हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी करा भी था तो बताया भी था कि जो क्वांटिटी डिफरेंशिएट होती है उसके आगे हम डी लिख लेते हैं, तो डी एम वी, और एक बार एम को डिफरेंशिएट किया और एक बार वी को डिफरेंशिएट किया, तो हम इसको लिख सकते हैं वी डी एम प्लस एम डी वी डी एस बाय डी टी। डी एस बाय डी टी का मतलब क्या हो गया? पी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम वी, तो बिल्कुल ये हो गया वी डी एम प्लस एम डी वी वी। इस वी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी ई के इक्वल टू वी स्क्वेयर डी एम प्लस एम वी डी वी, इक्वेशन 5। अब क्या करना है, हमारा डी ई के इक्वल टू वी स्क्वेयर डी एम प्लस एम वी डी वी आ गया है, वेरिएशन ऑफ मास से यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास एक्सप्रेशन एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। और क्या लिख सकते हैं इसको, या पहले लिख लेते हैं क्या चीज क्या है यहाँ पे, वेयर एम नॉट रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास जो है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, रेस्ट मास, ठीक है। एम क्या है, मास इन मोशन, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। वी क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे चेंज होगी। और अगर हम इनर्शियल केस ले लेंगे तो उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगी। और सी स्पीड ऑफ लाइट, अभी तो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी ले रखी है हमने, डीवी कर रखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 6 को, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 6 का, स्क्वायरिंग इक्वेशन 6 ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट करनी है, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी की। तो इक्वेशन 6 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से चाहे तो नीचे से सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और फिर वो ऊपर चला जाएगा, तो जब ये इतना लिख लो तो बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई, एक लीनियर इक्वेशन जैसे ही हो गई ना वैसे लीनियर फॉर्म में लिख लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे, और डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या करना है, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी की वैल्यू पुट करनी है। ने बाकी स्टूडेंट क्या करा, हमने वेरिएशन ऑफ मास से एम की वैल्यू लिखी, उसको स्क्वायर करा, इसको सिंपलीफाई लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन करके हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ही निकाल देंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लिख लिया ये? यस मैम।
चलिए फिर आगे करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करा, सी स्क्वेयर एलसीएम ले लिया तो ये आया एम स्क्वेयर और ऊपर चला गया एम नॉट स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। इस सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर को भी इधर ले गए तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, चाहे तो एम सी स्क्वेयर इधर ही रखिए, ये दोनों क्वांटिटी एक साथ ले जाइए, चाहे ऐसे ही कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कैसे भी कर लो, वो तो बाद में हमें वैल्यू पुट करनी है। एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, इक्वेशन 5, 6, 6 हो चुकी है ना, 7। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें फिर वही है, मैंने जैसे आपको बताया जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं तो जो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी होती है उसके आगे डी लगा लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको हम ऐसे ही छूट देते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। तो फर्स्ट टर्म को देखिए, ये क्या है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कांस्टेंट होगा, सिर्फ इसमें एम डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो एम को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये 2mc² dm। ठीक है, इक्वल टू, अब इधर देखिए जो m है वो भी वेरिएबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेरिएबल क्वांटिटी है, तो एक बार m डिफरेंशिएट होगा और एक बार v डिफरेंशिएट होगा। तो पहले m डिफरेंशिएट करते हैं, 2m वी स्क्वायर डी एम प्लस, अब वी स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं तो एम स्क्वायर 2v dv प्लस, अब इस थर्ड क्वांटिटी में देखिए एम नॉट स्क्वायर रेस्ट मास है, कांस्टेंट होगा, जो लाइट की वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होती है, तो ये दोनों जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, तो प्लस जीरो। ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2m से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2m। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को 2m से डिवाइड करेंगे, 2m कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा सी स्क्वेयर डी एम, इसको हम 2m से डिवाइड करेंगे, 2m कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वेयर डी एम, या कह लीजिए 2m कॉमन ले लो और फिर दोनों साइड से वो कट जाएगा। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये एम स्क्वायर एम में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा एम डी वी एम वी डी वी। ठीक है, इक्वेशन 8। अब इधर देखो इक्वेशन 8 में ये वाली जो वैल्यू है ये हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन 5 में, पीछे जाके देखती हूँ, है ना, ये इक्वेशन 5 में इसकी वैल्यू है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8 इस पूरे की जगह हम सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं, तो डी ई के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब ये बहुत थोड़ा सा रह गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, तो क्या करना है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने में हमें लिमिट चाहिए कि हम लिमिट क्या लगाएंगे, जब कोई बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, फिर हमने उस पर फोर्स लगाई, उसने काइनेटिक एनर्जी अटेन की, सपोज उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई के। ठीक है, तो लिमिट हो गई इधर लेफ्ट साइड में 0 to k। राइट की बात करते हैं, जब वो रेस्ट में था तो उसका मास होगा एम नॉट, जब हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसने वेलोसिटी अटेन की वी, तो उसका मास हो गया एम, तो इधर जो लिमिट होगी वो होगी एम नॉट टू एम। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट वैल्यू 0 to k एंड एम नॉट टू एम।
तो लिख लीजिए इंटीग्रेट अबव इक्वेशन ठीक है लिमिट जीरो टू के डी ई के इसलिए ले रही हूँ जिससे हमें ये पता रहे काइनेटिक एनर्जी है. ई के भी ले सकते थे, ई के सफिक्स में के ले लेते हैं ना. फिर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है तो सी स्क्वायर तो बाहर ही आएगा. लिमिट एम नॉट टू एम डी एम, इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. डी हट जाएगा इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन है ये, इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो ये हो जाएगा ई के, और ई के की लिमिट जीरो से के. इधर आएगा सी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हट जाएगा एम एम नॉट से एम. तो ये आएगा हमारा के, जब लिमिट रखेंगे के इक्वल टू एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर ठीक है. इक्वेशन 9. ठीक है, हम जानते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेस्ट में जो एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी हो गया टोटल एनर्जी एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी. इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 और 9 को देखिए. इक्वेशन 9 है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. इक्वेशन 10 है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस रेस्ट मास एनर्जी. तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या होके निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10. दोनों को इक्वेट करके क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ठीक है यहां से इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. तो यही लिखते हैं इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. Equal to mc square or rest mass energy equal to m naught c square. ये वाला तो हमारे को expression चाहिए ही था, this is required expression. और ये हमें और पता लग गया कि rest mass energy मतलब m naught c square. एक बार इस derivation को फिर देख लीजिए, फिर इसका example कर लेते हैं, वैलिडिटी देख लेते हैं ठीक है. शुरू से क्या करा हमने, पहले फोर्स की डेफिनेशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने फोर्स की डेफिनेशन से फोर्स लिख लिया कि फोर्स हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है. फिर m और v दो क्वांटिटी हैं तो मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होता है. ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी. अभी तक हम m को कांस्टेंट लेके चलते थे और बाहर ले लेते थे तो m dv ओवर dt कर लेते थे, बट अभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया क्योंकि अब हमारे लिए m भी वेरिएबल क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू मास वेरिएशन से ठीक है. तो हमने इसको इसलिए डिफरेंशिएट नहीं किया. या डिफरेंशिएट करोगे भी तो क्या लिखना पड़ेगा, dm ओवर dt इंटू v प्लस v dv ओवर dt, ऐसे करके लिखना पड़ेगा. फिर हमने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो से के में इंक्रीज हुई और मास उसका एम नॉट से एम में अटेन हुआ क्योंकि उसने कुछ वेलोसिटी अटेन की और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो डीएस डिस्टेंस ट्रेवल की. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, वर्क डन हमारा एफ डॉट डीएस होगा. और हमने एफ की, हाँ बोलिए मैम, ये मैम ड्राइव करने के लिए आती है एग्जाम में? हाँ बिल्कुल आती है. थैंक यू मैम. अभी देखेंगे अभी कितनी बार आई भी है ठीक है. फिर हमने एफ की वैल्यू रखी, एफ की वैल्यू रखते ही हमने क्या करा, फिर इस दोनों को डिफरेंशिएट करके लिख दिया. डीएस ओवर डीटी को हम वी लिख सकते हैं तो हमारे पास
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया वी स्क्वायर डीएम प्लस एम वी डीवी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास से, जिससे हम फिर बाद में इंटीग्रेट करके इक्वेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी का हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लें। तो हमने वेरिएशन ऑफ मास से एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके रीअरेंज करके डिफ्रेंशिएट किया। और डिफरेंशिएट करने में मैंने आपको बताया भी है कि जो क्वांटिटी डिफरेंशिएट होती है उसके आगे डी वर्ड यूज करके हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और जो क्वांटिटी डिफरेंशिएबल नहीं होती उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसको डिफरेंशिएशन अगर करना पड़ रहा है तो वो जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी में देख रहे हैं एम और तो डिफरेंशिएट हो सकता है, वेरिएबल है, बट जो सी है वो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो इसका डिफरेंशिएशन आया 2m c स्क्वायर dm, इसमें m और v दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हैं, तो एक बार m का डिफरेंशिएशन किया और एक बार v का डिफरेंशिएशन किया। थर्ड क्वांटिटी में रेस्ट मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। फिर इस पूरी इक्वेशन को हमने 2m से डिवाइड कर दिया, तो जो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो मिल गया। इस पूरे की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट कर सकते हैं, जो कि है सी स्क्वायर डीएम हमने रख दिया। अब हमने सिंपल इसको इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे यूज की, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, हमने फोर्स लगाया तो उसने जो काइनेटिक एनर्जी अटेन की हमने उसको के से मान लिया कि के अटेन की, तो जीरो से के उसकी लिमिट हुई। फिर हमारा जो रेस्ट मास होता है रेस्ट में एम नॉट होता है, हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसने वेलोसिटी अटेन करी, तो उसकी वजह से उसका जो मास है वो एम हो गया, तो लिमिट एम नॉट से एम हमने यूज कर ली, लिमिट लगाई, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ब्रैकेट बना सकते हो, ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बोला भी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती है, बल्कि ये होती है के इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो रेस्ट में है उसको हम रेस्ट मास एनर्जी भी बोल देते हैं। हाँ बोलिए मैम, वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है ना? हाँ जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये कब एक्सप्रेशन आया, जब वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रही है या हाई है। ठीक है, तो मैं तभी बोल रही हूँ कि रिलेटिविटी में हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लेते हैं। नॉर्मली अगर जनरलाइज हम करेंगे रिलेटिविटी में नहीं होंगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी, बट रिलेटिविटी में जहाँ पे वेलोसिटी हाई है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होगी। फिर हम जानते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट में कितनी है। हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल ली कि टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो देखा टोटल एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और रेस्ट मास एनर्जी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होता है। अब इसकी लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि ये हमारा वैलिडिटी कह लीजिए या एविडेंस क्या है। तो एविडेंस आपको पता भी है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मास एनर्जी इक्विवेलेंस के। तो आप चाहे तो कोई भी जब आपसे अगर पूछा जाए कि शो करिए कोई टू वैलिडिटीज की या टू एविडेंस दीजिए, तो आप कोई सी भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन की रिएक्शन दे सकते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा एक मैं लिख पा देती हूँ, है ना, लैंग्वेज की फॉर्म में, बाकी आप न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और ये जो है ये देखो नेचर से ही हमें मिला है, नेचर ने इसको इलस्ट्रेट किया इतने ब्यूटीफुली, देखिए कैसे है। जब कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से कोलाइड करता है तो दोनों एक दूसरे से मिलके, इसको हम बोलते हैं पेयर एनिलेशन। ठीक है, दोनों टकराते हैं और वो जो टोटल मास होता है वो रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिले और फिर हमें एनर्जी मिले। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करते हैं, ई के ऊपर माइनस बना देते हैं और पॉजिट्रॉन को ई के ऊपर पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं, दो मास कंबाइंड होके हमें रेडिएशन एनर्जी देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या है कि जब कोई एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी किसी चार्ज न्यूक्लियस के पास आती है तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाती है या
पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स को बनाती है, तो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो रही है। तो लिख लेते हैं इसे लैंग्वेज के फॉर्म में, इसका एविडेंस भी है ये, ठीक है। व्हेन, बाकी मैं जो लिखवा रही हूँ जरूरी नहीं है ये लिखें आप, कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की रिएक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर एनिलेशन वाला एग्जाम्पल है या पेयर प्रोटेक्शन वाला एग्जाम्पल है, वो भी आप यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल कोलाइड्स, व्हेन अ पार्टिकल कोलाइड्स विद इट्स एंटी पार्टिकल, there is a mutually annihilation and the total mass is converted into radiation energy, thus the conversion of mass take place into energy. On the other hand, when radiation energy come near a charged nucleus, particle and antiparticle, are created thus energy is converted into mass. मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वाला एक केस भी ले सकते हैं, दोनों को जॉइंट करके आप एनर्जी दिखा सकते हैं, और एनर्जी से गामा रेडिएशन से आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अलग होके दिखा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेटिविस्टिक form of Newton's second law is F equal to m naught dv over dt 1 minus v square upon c square to power minus 3/2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपका शो दैट द ड्राइव द रिलेशन ई स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर,
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर टू पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन. चलिए लास्ट और एक क्वेश्चन है, शो दैट द मोमेंटम. इसमें एक दो तो अभी करा दूंगी मैं, ठीक है टाइम, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो रहा है 10:50 हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा. शो दैट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, शो दैट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, गिवन बाय द एक्सप्रेशन पी इक्वल टू के स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस टू एम नॉट के. तो मोमेंटम पी इक्वल टू एम भी नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मोमेंटम भी रिलेटिविस्टिक है, तो p इक्वल टू एम वी ले रहे हैं, तो वहां पे मास और वेलोसिटी इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हो, बट वहां पर जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है.